बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो नाज़रीन, आज का मेरा नुस्खा उन बच्चों के लिए है कि जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं, ना कि छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो करते ही हैं, जो कि शीरखवार बच्चे होते हैं, न्यू बेबी जो होते हैं वो तो करते हैं। लेकिन आज का मेरा नुस्खा उन बच्चों के लिए जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं बड़े होने के बाद, यानी कि 4 साल से ऊपर की जो उम्र होती है बच्चों की, वो जो पेशाब करते हैं 4 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ये नुस्खा बिल्कुल नहीं है। 4 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए नुस्खा है, काफ़ी बड़े होकर भी पेशाब बिस्तर पर पेशाब करने की आदत जो है वो उनकी नहीं जाती। तो बस आपने करना यह है कि आपने चावल लेने हैं, चावलों को उबालना है और चावलों के अंदर की जो अंदर पानी ज़्यादा डालना है, ताकि उसकी जो पिच होती है, चावलों में से पानी निकालते हैं बाद में उबालने के बाद, वो आपने उसको पिच कहते हैं, तो वो पानी जो है चावलों का वो आपने बाहर नहीं गिराना। उसको आपने किसी चीज़ में, किसी डब्बे वगैरह में या किसी बर्तन में आपने उसे महफूज कर लेना है और उसे आपने रख देना है। रात को आपने ये काम करना है, चावल लेने हैं, चावल उबालने हैं और उसकी जो पिच होती है, उसका जो पानी होता है उबले हुए चावलों का, वो आपने निकाल के साइड पर रख लेना है। और उसको आपने क्या करना है कि अगले दिन सुबह उस पानी में आपने एक शक्कर का आपने चम्मच लेना है, चम्मच लेना है उस एक शक्कर का चम्मच आपने लेके उसमें मिला देना है। 1 कप चावलों की पिच होती है, उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर का मिलाकर उसको आपने हल कर लेना है। और वो आपने जो बच्चा आपका पेशाब करता है बिस्तर पर बड़ा होने के बाद, तो उसको आपने पिला देना है। ये अमल आपने 1 हफ्ते तक ज़रूर इस्तेमाल करना है, 1 हफ्ते तक आप करके देख लें, इंशाल्लाह आपका जो बच्चा पेशाब करता है बिस्तर पर पेशाब करने की आदत है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी और वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। तो नाज़रीन, ये छोटी सी टिप्स कह लें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो ये आप इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको ऐसे का, आपके बच्चों को ऐसे का मसला है, तो ये आदत होती है बच्चों की जो कि छोटे होने से मतलब पड़ी होती है, बड़े होने तक नहीं जाती, तो ये आप करके देखें। अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।